ये देखिए मंदिर के सामने हवन कुंड। चाइना में मंदिरों में इस प्रकार के हवन कुंड होते हैं। इस तरीके से गांव से आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था होती है। यहाँ के सामान बेच सकते हो, अपना सूख सब्जी। और ये ताई देखिए साइकिल चला रही है, दौड़ा रही है। इसकी उम्र लगभग 85 साल है दोस्तों। तो इस वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग होना, पूरा वीडियो देखना, बीच में नहीं जाना। झूला झूलू ये वादा कैसे भूलू। हाँ जी, वीडियो चालू हो गया। क्या हाल चाल है दोस्तों, राम राम। आज लेके चलता हूँ चाइना में प्याज लहसुन आलू अदरक टमाटर के भाव दिखाने और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोज में। बहुत स्पेशल होने वाला आपके लिए। और चलते हैं फिर। अभी सुबह का टाइम है और इस प्रकार से गांव से कई किसान लोग अपना सामान लेकर के बाजार में बेचने के लिए आते हैं, छोटे से बड़े कस्बे में। इस तरीके की इलेक्ट्रिक बाइक आपको हर जगह मिलेगी। ऊपर से इस तरीके से कवर किया जाता है ताकि बारिश में उसका पानी उसको डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ लहसुन। यहाँ जो लहसुन है वो इंडिया के लहसुन से थोड़ा सा डिफरेंट है। भाव क्या है वो देखिए, 7 RMB का आधी किलो है। इंडिया में जो भाव होता है वो 1 kg का होता है। चाइना में सारा भाव है वो आधी किलो का भाव लिखा जाता है और ये इंडिया के लगभग 170 रुपये का केजी आता है। उसके बाद हम आलू की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ दो तरीके के आलू है, छोटा और बड़ा। जो बड़ा आलू है वो 4 RMB का आधी किलो और छोटा आलू है वो 3 RMB का आधी किलो बनता है। अब इसका भाव इंडिया के अगर से देखें तो ये देखिए, जो छोटा आलू है वो लगभग 72 रुपये का केजी होता है और जो बड़ा आलू है वो लगभग 70 रुपये का 1 किलो आता है। यहाँ पर आप इन आलू को देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले, यहाँ इनका चाइनीज फूड होता है जिसे बोलते हैं सू चाय पाव, मतलब अपने भारत के समोसे जैसा। वो समोसा खा लेते हैं। देखिए ये दुकान आ गई समोसे की। ये अनहोई के लोग हैं और इनसे अभी समोसा खाते हैं। आज बुचैन भैया, आई का सू चाय पाव। ये बिल्कुल भारत के जैसे ही समोसा होता है, बस इसको तेल में न पकाने की बजाय भाप में पकाया जाता है, पानी की स्टीम में, और इसके अंदर सब्जियां डाली होती है। यहाँ जो मूलियाँ होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, मोटी मोटी होती है और 1 RMB की आधी किलो मिलती है। ये मूलियों का आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं प्याज की तरफ। चीन में अक्सर बहुत मोटे मोटे प्याज होते हैं दोस्तों। इन प्याज को आप देख सकते हो, जो मोटे वाले प्याज हैं उसकी जो कीमत है वो इंडिया के लगभग 90 रुपये केजी है। और जो छोटे वाले प्याज होते हैं जो भारत के अनुकूल होते हैं, जैसे भारत में जो हमारे प्याज होते हैं नासिक वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, इस प्रकार के प्याज है वो 72 रुपये केजी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप इन प्याज को देख सकते हो। अगर आप इंडिया में इनका बीज मंगा करके इनको बोते हो तो जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो आपसे इन प्याज को खरीदेंगे। किसानों को बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। जो टमाटर वो इंडिया के लगभग 72 रुपये का 1 किलो यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों चाइना में आज के दिन, जिसे सी होंग से बोला जाता है। अभी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो सामने देख रहे हो ना, ये बड़ी रोड है, मेन रोड है जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बगल में ये देखिए छोटी रोड है और इस रोड के आपको यहाँ पे ये डिवाइड की हुई जगह मिलती है। और इस जगह में दोस्तों कोई भी किसान गांव का आकर के वो अपनी यहाँ फसल को या जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको यहाँ बेच सकता है। इनका एक निर्धारित समय होता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो सुबह से शाम तक भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से यहाँ पे अपना सामान बेचिए। ये केवल किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको और मजबूत करने के लिए, और जो गांव के लोग हैं उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है चाइना में। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ये सुझाव मुझे कमेंट में दीजिए। साथ में अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगता है चाइना की ये जो तरकीब है कि बड़े शहरों में ऐसे गलियां बनी हो और जिसमें को जो गांव के किसान हैं छोटे वो आकर के अपना सामान बेच सके, उनके लिए ऐसे पर्याप्त जगह हो, तो आप इस वीडियो को उन आपके जो आधिकारिक मित्र हैं नगर पालिका वाले या मंत्री जी हैं उनको भी शेयर कर सकते हो कि इस तरीके की एक उच्चतम व्यवस्था हमारे देश में भी कायम की जा सके। ये जो ताई आप देख रहे हैं जिसको शुरुआत में आपने देखा था, ये यहाँ गलियों में घूम घूम करके अपने खेत में बने हुए सीताफल को यहाँ बेच रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। और बताओ क्या नया देखना है आपको कमेंट में।